हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लांट किंगडम पार्ट ब्रायोफाइट्स चैप्टर थर्ड क्लास 11। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में जो टू पार्ट्स इंक्लूडेड थे, लिवर पॉट्स एंड मसल्स के बारे में। तो लिवर पॉट्स तो कल मैंने बताया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। ये पार्ट्स थे ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। तो कुछ तो करेक्टर इसमें ब्रायोफाइट्स के ही है, सारे करेक्टर मतलब ब्रायोफाइट्स के हैं, बट लिवर पॉट्स और मोसेस में कुछ डिफरेंट कर दिए गए, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं मोसेस के बारे में। तो मोसेस के बारे में आज मोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो मोसेस में लिवर पॉट से बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोसेस में भी गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, हमने लिवर पॉट्स में पहली स्टेज यही पढ़ी थी ना, गैमेटोफाइटिक स्टेज पर होता ही है। तो मोसेस जो होते हैं वो गैमेटोफाइटिक स्टेज पर तो होते हैं, बट ये भी टू टाइप से डिवाइड होते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज पर तो होते हैं पर टू टाइप से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटोनिमल एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो इनमें टू टाइप से डिवाइड होती है, एक तो होती प्रोटोनिमा एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज। लिवर पॉट्स में एक ही थी गैमेटोफाइटिक एंड इसकी गैमेटोफाइटिक टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, ग्रीन ब्रांच्ड प्रोटोनिमा स्टेज जब होती तो मोसेस किस फॉर्म में होते, ग्रीन होते हैं, ब्रांच फॉर्म में होते हैं, फ्लामेंटस होते हैं एंड इसमें जो क्रीपिंग होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, मतलब फ्लामेंटस क्रीपिंग होते हैं, ठीक है। क्रीपिंग एंड डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स। ग्रीन ब्रांच जो होते हैं, ठीक है, फ्लामेंटस होते क्रीपिंग में होते, ठीक है। और ये डेवलप्स कहां से हुए थे, स्पोर्स से, ठीक है। तो प्रोटोनिमा लीफी स्टेज के डिफरेंस और ये कहां से होते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। लीफी स्टेज पहले तो प्रोटोनिमा स्टेज आएगी, ठीक है। पूरी स्टेज जो होगी गैमेटोफाइटिक उसमें टू टाइप्स स्टेज डिवाइडेड होगी, फर्स्ट होगी प्रोटोनिमा एंड सेकेंड इज लीफी। तो प्रोटोनिमा स्टेज में क्या हुआ था, वो ग्रीनी ब्रांच थे, फ्लामेंटस थे, क्रीपिंग थे, ठीक है। एंड डेवलप्स करते हुए कहां से हुए थे, स्पोर्स से। देन लीफी स्टेज में क्या हुआ, लीफी स्टेज कहां से डेवलप हुई, सेकेंडरी प्रोटोनिमा जब फॉर्म होगा ना, सेकेंडरी स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद प्रोटोनिमा फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी होगा ये, देन सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्मेशन जो होगी वहीं से सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फॉर्मेशन होगी लीफ स्टेज की, ठीक है। तो ये हो गया मैसेज का, मोसेस का गैमेटोफाइटिक स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं लीव्स आर लेटरली प्रेजेंट, इनके अंदर लीफ्स लेटरली मतलब कैसे प्रेजेंट होती, पेड़ की साइड पे इस टाइप से, ठीक है। तो मोसेस के अंदर क्या होता है, लीव्स इनकी लेटरली प्रेजेंट होती, लीफी स्टेज मतलब जहां लीव्स आ जाती तो इनकी लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरली में मतलब इनके साइड पे लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, बट प्रोटोनिमा स्टेज में कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। एंड ये पार्शियली पैरासाइट भी होता है, एंड दिस इज ऑल्सो पार्शियल पैरासाइट। प्रोटोनिमा में कोई सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर लीफी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इधर लिख देना नो सेक्स ऑर्गन्स, मोसेस का एग्जाम्पल है पॉली ट्राइकेम। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये तो हो गया गैमेटोफाइट्स के बारे में, मोसेस के बारे में पढ़ने
मोसिस की गैमेटोफाइटिक स्टेज में कैसे क्या होता है, किसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कब नहीं होते हैं, दोनों की स्टेजेस। गैमेटोफाइटिक स्टेज में टू स्टेजेस में डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड मोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पॉलीडाइक्रिन एक ऐसा मतलब मोसिस का एक एग्जाम्पल है। जितने भी मोसिस में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो पॉलीडाइक्रिन पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो कल करेंगे इसके बारे में बात।